हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा और आज हम स्टार्ट करते हैं लिंक्ड लिस्ट का पहला लेक्चर। तो यहाँ पे हमने देखा था कि पहले ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसके ऑपोजिट हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है जो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होगा, जो भी ऑपरेशन होंगे वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे, इसलिए हम इसको लीनियर बोलते हैं, इन अ लाइन, है ना। और दूसरी बात लिंक्ड लिस्ट की ध्यान में रखने वाली ये है कि ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है मतलब अगर हमें जब इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या डेटा आइटम हमें स्टोर करना है तभी हम एक नोड बनाएंगे, तभी हम उसके लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, और अगर हमें स्टोर हमें उसको डिलीट करना है तो उस मेमोरी को हम फ्री कर देंगे, ठीक है। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, ये हम तभी यूज़ कर सकते ऐसा तभी हम कर सकते हैं जब हम पॉइंटर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो दो तरीके के फिर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, एक लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, और एक एरे होता है जो एक स्टैटिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक बार जो मेमोरी एलोकेट हो गई वो प्रोग्राम के बीच में हम उसको फ्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में हमने क्या क्या देखा कि लीनियर कलेक्शन है डेटा आइटम का, ठीक है। एक डेटा आइटम को हम नोड कह रहे हैं, ठीक है, और उनको हम कनेक्ट करेंगे आपस में थ्रू पॉइंटर्स, ठीक है। अब देखिए नोड हम किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास नोड जो है उसके दो पार्ट होंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम इस पूरी चीज़ को नोड बोल रहे हैं। एक इन्फो पार्ट है, इन्फो पार्ट ये हमारा है कि जो एक्चुअल डेटा स्टोर करके रखा है, ठीक है। और पॉइंटर जो है पार्ट है वो पॉइंटर क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसलिए लाइन से डेटा स्टोर नहीं है। जैसे हमने एरे की बात की, अगर एरे में क्या होता है, हमारे पास एक एरे है ए नाम का सपोज, तो एरे में कॉन्टिगस मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर ये लोकेशन 100 है तो नेक्स्ट, अगर हमने इंटीजर लिया है जो 2 बाइट लेता है तो नेक्स्ट एलिमेंट 102 पे स्टोर होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 104 पे होगा। कॉन्टिगस मेमोरी, कॉन्टिगस मतलब कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होगी एरे में, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में एक नोड हो सकता है, हमने यहाँ बनाया, सपोज़ हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, तो हमने 10 यहाँ पे स्टोर किया, मेमोरी में कहीं और 20 स्टोर हो सकता है, हमें क्या करना है ये 20 का एड्रेस रखना है, फिर नेक्स्ट नोड हो सकता है कहीं और मेमोरी में 30, फिर ये सेकेंड पार्ट है ये सपोज़ 1002 पे स्टोर है, ठीक है, ये 500 पे स्टोर है, ये सपोज़ ये हम 675A ऐसा कोई एड्रेस है, तो ये क्या रखा हुआ है, नेक्स्ट इसका एड्रेस रखा हुआ है, ये नेक्स्ट इसका एड्रेस रखा हुआ है, और यहाँ अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है तो इसने नल स्टोर करके रखा है। तो ये सेकंड पार्ट हमारा क्या है, पॉइंटर है, और ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, डेटा एलिमेंट है, ठीक है, डेटा एलिमेंट है, क्लियर है ये वाला बात। तो नोड के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट जिसमें हम एक्चुअल डेटा स्टोर करेंगे, और दूसरा पॉइंटर जो नेक्स्ट एलिमेंट का वैल्यू स्टोर करके रखा है। तो द नेक्स्ट एड्रेस फील्ड ऑफ द लास्ट नोड इन द लिंक लिस्ट कंटेन्स अ स्पेशल वैल्यू नोन एज नल वैल्यू, है ना। जैसे अभी हमने बात की, जैसे हमारी लिस्ट यहाँ पे हमारी लिस्ट में 3 एलिमेंट है, 10, 20, 30, 30 के बाद हमारे पास कोई नोड नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें नल स्टोर करके रखेंगे। नल हमें क्या बताएगा कि ये एंड ऑफ लिस्ट है, ठीक है, मतलब इसके आगे हमारे पास लिस्ट में लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, जिन बच्चों को पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंटर का लेक्चर तो हम एक्चुअली अलग से बनाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर क्लियर करने की ज़रूरत है। जब हम पॉइंटर की बात करते हैं तो अगर हम ऐसे लिखते हैं int star p, इस तरीके से हम पॉइंटर को डिफाइन करते हैं, है ना, और हम int a लिखते हैं,
इस तरीके से हम नॉर्मल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो इन दोनों डेफिनेशन में फ़र्क होता है। अगर हम इंट ए लिखते हैं तो मतलब मैंने एक मेमोरी एलोकेट की है ए नाम की, जिसमें इंटीजर वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू मैं स्टोर कर सकती हूँ। ठीक है, तो ए का टाइप क्या है? इंटीजर। हम ऐसा डिक्लेयर करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ए इज़ ऑफ टाइप इंटीजर। लेकिन जब मैं ऐसे लिखती हूँ इंट स्टार पी, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि पी का टाइप इंटीजर है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर है तो वो एक एड्रेस ही स्टोर करेगा। इसका इस लाइन का मतलब है, इस डिक्लेरेशन का मतलब है पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर है तो सिर्फ वो एड्रेस रख सकता है, तो वो उसके एड्रेस को ही रख सकता है जो एक इंटीजर हो। ठीक है, देखिए अगर ए स्टोर है 205 पे, 6 कर देते हैं इसको, 206 पे स्टोर है, तो पी ए को पॉइंट कर सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे, पी एक पॉइंटर है जो एक इंटीजर की वैल्यू को पॉइंट कर सकता है। पॉइंट कर सकता है जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो ये 206 का एड्रेस स्टोर कर सकता है, पी का टाइप इंटीजर नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऐसा है इंट ए, फ्लोट बी और इंट स्टार पी। तो पी जो है वो बी को पॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला है, पी पॉइंटर ऐसी वैल्यू को स्टोर कर सकता है जिसका टाइप इंटीजर है। तो बी का टाइप क्या है? फ्लोट। तो पी बी को, पी जो है वो बी को पॉइंट नहीं कर सकता, बी का एड्रेस नहीं स्टोर करके रख सकता है, वो सिर्फ ए का एड्रेस स्टोर कर सकता है क्योंकि उसका टाइप इंटीजर है। अगर हमको बी के लिए कोई पॉइंटर चाहिए तो फिर हमको इस तरीके से फ्लोट टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा जो फ्लोट वैल्यू को पॉइंट कर सके। क्लियर है? तो जब हम ऐसा नोड बनाएंगे, है ना, जब हम ऐसा नोड बनाएंगे तो जहाँ ये जो पॉइंटर की मैं बात कर रही हूँ, ये पॉइंटर क्या होगा? ये पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होगा जो एक नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, पूरे पूरे नोड का एड्रेस, और नोड क्या है, नोड के दो पार्ट हैं, तो ये पूरा एक नोड है। तो जब मैंने बोला पी, तो ये पी जो क्या कर रहा है, ये एक नोड का एड्रेस रख रहा है। ठीक है, तो हमें अपने पॉइंटर का कुछ डेफिनेशन ऐसा देना पड़ेगा, जैसे अभी हम ये बात करते थे ना, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, तो पी इंट पी मतलब पी एक पॉइंटर है जो इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर सकता है, यहाँ पे क्यू एक पॉइंटर है जो सिर्फ एक फ्लोट का एड्रेस रख सकता है। वैसे ही हमारे पास जो पॉइंटर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, उस वो क्या है, वो पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो दूसरे नोड को पॉइंट कर सकता है। तो ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, यहाँ पे जो ये पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर है, ये जो एड्रेस रख रहा है, ये पूरे एक नोड को पॉइंट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंटर है, सपोज़ हम इसको पी ले रहे हैं, तो ये पॉइंटर इस पूरे नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका स्टार्टिंग एड्रेस रख रहा है, और ये नोड पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पूरा नोड एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बात हमारी थोड़ी ध्यान में रखने वाली है। थैंक यू।